हमारे साथ DDC चेयरमैन जम्मू के बोधराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बोधराज जी, आप DDC जब चुनाव हुए थे तब बहुत उम्मीदें थी कि अब जो है विकास होगा जम्मू कश्मीर में। 370 को भी एबोगेट हुए, 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, कहाँ तक विकास की जो गति है वो पहुँच पाई आपको लगता है? मैं भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया है, ले रहे हैं। जहाँ तक मेरा अभी 1 साल होने जा रहा है DDC जिला परिषद के अध्यक्ष होने के नाते, तो जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात की है, विकास की बात की है, विकास में पहले से काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जो PRI सिस्टम है, एक पंच से पूछा जाता है आपकी क्या प्रायोरिटी है, सरपंच से पूछा जाता है, BDC का चेयरमैन है उसको पूछा जाता है, और DDC चेयरमैन जो है या DDC के जो मेंबर्स हैं उनको भी पूछा जाता है कि क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। और जो जहाँ तक विकास की बात की जाए तो हर मोहल्ले में जहाँ पर जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, गली की, नाले की, पोल की, ट्रांसफार्मर की, हैंडपम्प की, या पीने वाले पानी का कोई सिस्टम में ख़राबी है, या और जो नए केंद्रीय सरकार जो हमें वो तो भारत भूषण जी, मुझे भी याद है कि जब DDC चुनाव हुए थे काफ़ी हाइप दी गई थी। जो सेंट्रल लीडरशिप है BJP की वो जम्मू में थी, बाकायदा यहाँ पे जो है कैंपेन चलाया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे जो है इंडस्ट्री आएगी, लेकिन 2 साल में तो नहीं आ पाई। अब आगे कौन सी ऐसी जो है मैजिक वॉन्ड है, जादू की छड़ी है, जिससे आपको लगता है ये हो पाएगा? जैसे आज आप भी देख रहे हैं यहाँ जो समिट हो रहा है, तो ये सारा वही 5 अगस्त के बाद 2019 में जो हुआ है उसके बाद ये शुरुआत जो हो रही है। ये तो लोकल रियल इस्टेट वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो हुकूमत के पास ज़मीन भी नहीं है, तो कैसे ये सपना मुकम्मल हो पाएगा? नहीं, ज़मीन बहुत है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही काफ़ी ज़मीन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर नहीं, सरकारी ज़मीन भी है और दूसरे जो ड्राई लैंड होती है वो भी है, और ज़मीन अवेलेबल है, लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर आने चाहिए। उसके लिए आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे, आज भी हालात पूरी तरह से वो काबू में नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो भी एक पीसफुल माहौल चाहता है, जहाँ पर आराम से वो पैसा खर्च करे और लगाए, और फिर उसको इन्वेस्ट करना कमाना भी होता है। तो अभी शुरुआत हो रही है, तो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जैसा आज भी माननीय महोदय LG साहब ने कहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टर आएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। भारत भूषण जी, जब DDC चुनाव हुए तो इसलिए भी हाइप था कि 370 एडवोकेट होने के बाद ये पहला इलेक्शन था। अब लोगों की उम्मीदें ये भी हैं कि अब पहला जो विधानसभा चुनाव है वो भी सामने देखने को मिले। आपको लगता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रपोजल है वो सही है और उसके बाद अब चुनाव जल्द होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात करें तो उनकी एक जो डेडलाइन है वो 6 मार्च तक है, तो मुझे लगता है कि उनका जो प्रोसेस है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत जल्दी वो जो उनका ड्राफ्ट होगा वो सामने पब्लिक डोमेन में आएगा। बहुत कुछ जो है हमारे प्रपोजल तो उनका आया है कि 6 से 6 जम्मू में और 1 कश्मीर घाटी को जो है सीट दी जाएगी। अभी ये प्रपोजल उन्होंने शेयर किया है, हमारे जो हॉनरेबल MPs हैं, तो उनके बजरिया लोगों में आ गई है बात, लेकिन जो प्रॉपरली जो पब्लिक डोमेन में चीज आएगी उसके बाद पब्लिक का जो रिएक्शन होगा या उनके जो ऑब्जेक्शन होंगे वो फाइल होंगे, फिर उनका निपटारा होगा, उसके बाद वो अपना प्रपोजल फाइनल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, तो वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो 1-2 महीने में आ जाएगी। भारत जी, अब उम्मीद जग गई है, जो POJK रिफ्यूजी है उनकी भी मांग सामने आ गई है कि जो रिजर्व सीटें हैं हमारी, 24 सीटें जो रिजर्व हैं उनमें से 8 सीटें जो है उनको सिम्बॉलिक उस पर इलेक्शन करवाए जाएँ। मैं भी ये समझता हूँ कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं POJK के और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और हमारे जो सफाई कर्मचारी लोग सफाई समाज से हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं वो 3-4 लाख लोग हैं, और इसी तरह POJK के रिफ्यूजीज हैं, उनकी अगर सीटें हैं तो मेरी भी ये ख्वाहिश है और मैं भी चाहता हूं उनके साथ भी इंसाफ हो और उनकी सीटें जो है उनको रिजर्व सीटें रखनी चाहिए। 8 सीटें रिजर्व हैं तो कम से कम
आठ लोगों को, 24 सीटें रिजर्व हैं, 8 सीटों की मांग है उनकी कि इसको जो है इस पर इलेक्शन करवाया जाए, सिंबॉलिक ही सही। बिल्कुल, फ्लोटिंग वोटिंग के जरिए है। वैसे बहुत सारे देश में कहीं किसी स्टेट में ऐसा है कि फ्लोटिंग वोट जो है वो भी वोट डालता है। वोट तो डिलिमिटेशन का जो मकसद होता है वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है। अच्छा, कश्मीर के लोग जो है, कश्मीर के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादती हो गई, जो 6-1 की जो रेशियो है, 90:10 की जो रेशियो है, 6 सीटें जम्मू के लिए और 1 सीटें जो है इजाफा कश्मीर घाटी से होगा, ये अन्याय हो गया जब कश्मीर के लोगों के साथ। देखिए, पिछले बार जब 1995 में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई थी तो तब 11 सीटें बढ़ी थी, तब जम्मू रीजन को 5 मिली थी, कश्मीर को 6 मिली थी, तो तब किसी को वो अन्याय सामने नहीं आया। आज जम्मू को अगर हिस्सा मिल रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन का जो मकसद है काम करने का, उनका यही है, जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली आज तक, उनको रिप्रेजेंट करना, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी, उनको प्रायोरिटी देनी। और डिलिमिटेशन ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी एक्सरसाइज में कहीं भी जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था उसके मुताबिक उन्होंने। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि देखो, एक तरफ तो 2011 के जो सेंसस के मुताबिक ये डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिस तरह से अब जो ये बातें सामने आने लगी हैं कि जो सीटें तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गई हैं उन पर भी उनका गुस्सा है। नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाकायदा एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट कितनी है, शेड्यूल ट्राइब कितनी है, तो उन्होंने उसी मुताबिक जो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, और जो रिजर्व थी उनको उन्होंने डी रिजर्व किया है। अब उनकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको वो रिजर्व नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट जो होगी उसको वो रिजर्व कर रहे हैं, जो एक इंसाफ की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो न्याय है वो जम्मू के साथ किया गया है, और इसमें किसी को भी किसी तरह का जो है ये खदशा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और दोनों खित्तों के साथ जो न्याय करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाँ, कश्मीर के नेताओं पे उन्होंने निशाना साधा है कि वो जानबूझ के जो है ऐसे इश्यूज़ को उठाकर लोगों को उकसाना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।